नमस्कार, मैं एस के बग्गा, विधायक किशन नगर क्षेत्र से। लोगों ने मुझे चुना है। कई जगह मैं जाता हूँ, लोग रोष प्रकट करते हैं अपना, तो रोष तभी प्रकट होता है वो काम करेंगे। जब आप काम करेंगे नहीं तो रोष भी नहीं होगा। चैलेंज आते हैं, हम चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं। आई एम हार्ड वर्कर एंड ईमानदारी, दोनों मेरे पास है, दोनों के ऊपर मैं चल रहा हूँ, जिससे मेरे को कामयाबी मिल रही है। मैं जब 11 बजे तक ऑफिस बैठता हूँ, लोगों को फ़ोन करता हूँ, लेटर देता हूँ, तो 1 बजे के बाद फ़ोन आने शुरू होते हैं कि थैंक्स के मेल आती है। इतनी खुशी मिलती है कि एक विधायक अगर किसी का काम कर रहा है तो उसमें उसको एक प्रेरणा मिलती है कि लोग थैंक्स कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम कार्य जो कर रहे हैं वो सफल हो रहे हैं हमारे कार्य में। मेरी रिहाइश इसी क्षेत्र में है। मैं 1954 से यहाँ रह रहा हूँ और एक एडवोकेट की मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पर, टैक्सेशन की, इनकम डिसेबल टैक्स की, 1975 से। 1992 में मैं एज एडवोकेट रजिस्टर्ड हूँ और एज एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पर टैक्सेशन साइड की। मेरा जन्म 7 फरवरी 1954 को काशीपुर यूपी में, जो आजकल उत्तराखंड में है, वहाँ हुआ। 54 बर्थ के बाद 2 साल बाद हम लोग दिल्ली में आए। मैं एक बड़े गरीब परिवार से लिंक रखता हूँ। फादर मेरे एक टेलर मास्टर थे, उन्होंने बड़ी मेहनत से बच्चों को पढ़ाया। हम 3 भाई 1 बहन हैं, तीनों मैरिड हैं, बहन भी मैरिड है, 2 मेरे बच्चे हैं, बड़ा बेटा सीए है, छोटा बेटा एडवोकेट है, दोनों प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं अभी रिसेंटली 2015 फरवरी में आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़ा हूँ। पिताजी का नाम लेट श्री एस एल बग्गा, जिनका देहांत 3 सितंबर 1972 को हुआ था। वो उनका एक बड़ा छोटा सा कारोबार था, ट्रेलिंग मास्टर का काम करते थे वो, मेरे पिताजी। और मदर का भी मेरे अभी 4-5 साल पहले डेथ हुई है। बड़ी मेहनत की है माता जी ने, पिताजी के साथ बच्चों को पालने के लिए भी हेल्प की है। तो मैं एक बड़े गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ। सर देखिएगा, पाकिस्तान से जब माइग्रेट होकर हम लोग आए, उन्होंने बहुत छोटे काम भी किए हैं बच्चों को पालने के लिए, तो हम उनका एहसान सारी उम्र नहीं भूल सकते। उनकी एक ख्वाहिश थी कि बच्चे मेरे वकील बने, सीए बने, तो वो उनकी ख्वाहिश को देखते हुए एक लगन थी पढ़ाई की। गरीबी होने के नाते गरीब आदमी के पास पढ़ाई के अलावा कोई चारा नहीं होता। एक पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज होगी तो उसको आप इस्तेमाल करेंगे। तो उनके कहने के ऊपर हम लोग पढ़े। बचपन में शुरू से एक गरीब परिवार से हम बिलोंग करते थे, इतने हमारे पास कोई पैसा भी नहीं था कि जो हम शौक़ पूरे करें। तो पढ़ाई के अलावा मेरा कोई शौक़ नहीं था, मेरा शौक़ पढ़ाई का ही रहा, कि जो हमारा एयरफोर्स था, हमारे रिश्तेदार थे, सब क्वालिफाइड थे। और मैं लोगों को देखता था, अपने दोस्तों के यहाँ जाता था, तो उनके फादर वकील थे, तो वहाँ से एक प्रेरणा मिली मेरे को, हम भी पढ़ लिख कर एडवोकेट बन सकते हैं। तो मेरे कज़न थे मेरे, उन्होंने काफ़ी हेल्प की प्लान में मेरे को, उनकी अब डेथ हो चुकी है, वो भी एक सरकारी गजट अफसर थे। तो एक प्रेरणा मिलती है लोगों से मिलने से। तो शुरू का मेरा जो भाव रहा है वो पढ़ाई की तरफ ही रहा है। तो फादर की भी तमन्ना थी कि बेटा मेरा वकील बने, कई वकीलों के पास जाते थे वो, मैं कई बार साथ जाता था उनके, तो वो चाहते थे कि बेटा मेरा वकील बने। बहुत खुश थे, सारा परिवार खुश था कि एक वकील बनने के नाते मैं काम कर रहा हूँ, ईमानदार से काम कर रहा हूँ। तो उस ईमानदारी की वजह से आज मैं इस मुकाम में हूँ। मेरी वाइफ का नाम सुषमा बग्गा है, वो हाउस वाइफ है, उसका मेरे को पूरा कोऑपरेट मिल रहा है इलेक्शन में भी। वैसे भी मैं सुबह 7 बजे घर से निकलता हूँ, रात को 12-1 बजे आता हूँ। उसने कभी रिएक्ट नहीं किया, वो भी ये कह रही पब्लिक सेवा करो, बल्कि वो तो ये कह रही कि आप सेवा करिए। मैं बड़ा उसका धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा साथी मिला मेरे को, जिसने इलेक्शन में भी बड़ा कोऑपरेशन दिया मेरे को। उनको पता है कि मेरा हस्बैंड जो पब्लिक की सेवा कर रहा है, घर भी लोग आते हैं पूछने के लिए, उनको भी मिलते हैं, वो भी भेजती है काम के लिए, भी इसका काम करो, इसका काम करो। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा कोऑपरेशन मिल रहा है मेरे को, बच्चों से भी और वाइफ से भी। वाइफ को देखिए, अब सभी हम सत्संगी लोग हैं, उसका भी भाव है कि ईमानदारी, मेहनत और लोगों की सेवा करें। हम लोग राधा स्वामी मत को मानते हैं, उसमें ये सिखाया जाता है कि एक दूसरे की मदद करो, अगर कर सकते हैं तो करना चाहिए। 2 मेरे बेटे हैं, बड़ा बेटा विकास बग्गा इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, छोटे वाले विशाल बग्गा इज ए एडवोकेट। दोनों की नेचर, काम करने की उनकी अपनी प्रवृत्ति जो है, इतनी बढ़िया लगती है मेरे को। तो मैं अगर ऐसे बच्चे सबके हों तो मैं भी बहुत रियर जाता हूँ, बच्चे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं जनता की सेवा में लगा हूँ। फादर बहुत छोटा काम था उनका, घर में करते थे, कोई दुकान टेलिंग मास्टिंग नहीं थी। तो पढ़ने के साथ साथ जो मेरी एक सोसाइटी में जो लोग मेरे को मिलते थे, तो हमारे यहाँ पड़ोस में कुछ लोग जो राजनीति में थे, तो वो आया करते थे घर पर कि आप चलो
पार्टी का काम कर रहा हूँ, तो मैं कांग्रेस में था पहले शुरू से, एचकेएल भगत जी के टाइम से, तो हमारे यहीं से काम शुरू होता था। हम लोग झंडे लगाते थे, हमारा वोट नहीं था पर बहुत शौक था, उस समय झंडे लगा करते थे, झंडे लगते थे। तो उस समय दिल में था कि देश के लिए अगर करना है कुछ तो किसी ना किसी पार्टी के जरिए आप आगे बढ़ सकते हैं। आप अकेले कहीं जा खड़े हो, कौन पहचानेगा आपको, तो किसी ना किसी पार्टी के माध्यम से आप आगे बढ़ते हैं। अब मैं 75 से राजनीति में हूँ, शुरू से कांग्रेस पार्टी में था। तो 2015 का इलेक्शन जो हुआ है आपका, आम आदमी पार्टी का, इन लोगों ने अप्रोच की मेरे को, तो मैं भी चाहता था कि मैं सेवा करूँ मैं कुछ, तो कुछ ना कुछ अगर आप गेन करते हैं, अगर इलेक्शन लड़के आप सामने आते हैं तो लोगों की सेवा ज़्यादा कर सकते हैं, कि आपके पास पोस्ट है, लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, अफसर आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, तो मैं सेवा का काम कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पर एक मिस्टर जे के विश्वास हैं जो पूरी आम आदमी पार्टी को देखते थे, उन्होंने अप्रोच की घर आए मेरे कि आप ऐसे इलेक्शन लड़िए। तो मैंने कहा इलेक्शन को मेरा मूड नहीं था लड़ने का, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप जितनी छवि है यहाँ पर, लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, ईमानदारी आप में, तो आप एक बार इलेक्शन लड़िएगा। तो मेरे को अप्रोच की, उन्होंने टिकट दिया और मैं यहाँ से जीता हूँ कृष्णा विधानसभा से। मेरे यहाँ पर किरण बेदी थी जो यहाँ से, ये जो सीट है कृष्णा नगर की, ये 25 साल से बीजेपी जीत रही थी, इतिहास में पहली बार हुआ है यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने मोर्चा संभाला है। तो किरण बेदी से पहले जब यहाँ से हर्षवर्धन जी लड़े थे तो 43,000 वोट से जीते थे 49 डेज की सरकार में। तो जैसे दोबारा इलेक्शन हुआ, किरण बेदी मैडम आई यहाँ पर, तो मैं 2700 कुछ वोट से जीता हूँ, 43,000 मैंने वो कवर किए, उसके बाद मैंने जीत हासिल की 2700 वोटों की जीत कर गया है। तो ये कम से कम 45-46,000 की जीत है, तो ये उनकी लीड बराबर करना उसके बाद जीतना बहुत बड़ी बात है। सर देखिएगा, मैं जब कांग्रेस में था, लोगों को मिलता था, मीटिंग में जाता था, तो उस समय लोग एक दूसरे को, मैं देखता था भी, देखिए अभी काम देश का काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को देख कर मैं आगे बढ़ा कि मेरे को बढ़ना चाहिए। मैं टाइम भी देता था, एक्सपेंस भी करता था जितनी मेरी ताकत थी। तो पार्टी के नाते से लोगों के काम कराने, घरों में उनके पर्सनल काम कराने, लोगों के स्कूल में एडमिशन कराने, लाइट का, सड़कों का, नालियों का, तो ये शुरू से मेरा शौक रहा है, लोगों की सेवा मैं करता रहा हूँ, तो उसका फल मिला है मेरे को। सर देखिएगा, 4 साल हो गए मेरे को आज, 7 फरवरी को इलेक्शन था, जिस दिन मेरा बर्थडे था उस दिन इलेक्शन था मेरा यहाँ पर। गॉड ने बड़ा गिफ्ट दिया मेरे को, यहाँ पर सड़कें बर्बाद हुई पड़ी थी, नालियाँ, लाइटिंग का काम और आपका सीवर का काम, पानी का काम खूब हुआ है और खूब काम हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले भी हमने एक मुहूर्त किया है, तो जितनी जहाँ लोगों की रिक्वायरमेंट थी, मेरा ऑफिस सुबह 7 बजे खुलता है, मैं 7 बजे ऑफिस पहुँच जाता हूँ अपने, और पूरा दिन एरिया में रहता हूँ, उसके बाद लोगों के यहाँ पर जाता हूँ, फंक्शनों में जाता हूँ, और उसके बाद लोगों की समस्याएँ सुनता हूँ, अफसरों से मीटिंग करता हूँ, मंत्रियों से मीटिंग होती है, और टोटल हमारे CM साहब इतने एक्टिव हैं, वो खुद 1-to-1 करते हैं विधायकों के साथ कि आप बताइए अपनी प्रॉब्लम। तो दिल्ली सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है, जितने प्रोजेक्ट मेरे पास आ रहे हैं वो सारे के सारे काम मैं करवा रहा हूँ, और काम काफ़ी होने जा रहे हैं। यहाँ पर पूरे इलाके में सड़कें आप देखिए, पानी की व्यवस्था देखिए, सीवर की देखिए, तो सब पहले से बहुत फ़र्क है। पहले कभी किसी पूछा नहीं, स्कूलों का देखिए आप, स्कूल इतने बढ़िया बन चुके हैं, पूरे वर्ल्ड सलूट मार रहे हैं दिल्ली के स्कूलों को। हॉस्पिटल देखिए, हॉस्पिटल में दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं, स्कूलों में SMC हमने बनाई है जिसमें 5-6 लाख रुपये हम फंड दे रहे हैं उनको, जब उनके जो माता पिता हैं वो पैसा खर्च करेंगे जो इलेक्शन होता है उसमें, जो है एक बहुत बड़ी देन है काम आम आदमी पार्टी की। एक यहाँ पर अस्पताल खुलने वाला चाचा नेहरू का जगह भी DDA से मिली हमारे को, एक ओल्ड एज होम का मुहूर्त होने वाला है, तो ऐसे कई, एक हॉस्पिटल दूसरा भी बनने वाला है, जनरल हॉस्पिटल का भी एक प्रस्ताव रखा मैंने। तो आस्ता आस्ता जैसे जैसे टाइम आ रहा है, जैसे फंड रिलीज होगा, तो वो भी सारे बनेंगे काम। सर देखिएगा, स्कूलों में जो कार्य हो रहा है, मैं स्कूलों में मोस्टली विजिट करता हूँ, वहाँ से लोगों को मिलता हूँ, उनके माता पिता को मिलता हूँ, इतने खुश हैं वो बच्चे, इतने खुश हैं, मतलब ऐसा एटमोसफेयर, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, ऐसा हमने नहीं देखा। लेकिन जो आजकल सरकारी स्कूलों जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों को मात कर रहे हैं, तो प्राइवेट स्कूल भी फेल हो चुके हैं उनके सामने, कोई हम पैसा नहीं लेते हैं, बल्कि बच्चों को पैसा देते हैं उल्टा, मिड डे मील भी देते हैं उनको। मैं खुद जाकर चेक करता हूँ कई बार स्कूलों में, अचानक जाता हूँ तो इतना अच्छा लगता है मेरे को, लोग भी इतने खुश हैं इस सरकार से कि इतना 26% खर्चा बजट का एजुकेशन पर कर रहे हैं। अभी जो बजट आया हमारा उसमें 26 point something है जो एजुकेशन में खर्च कर रहे हैं। अगर आप काम करेंगे तो चैलेंज भी आएंगे, जब आप करेंगे नहीं, जहाँ भी अगर कोई रोजाबास होगा कुछ करेंगे तभी होगा। लोग जब अपोज भी करते हैं मेरे को, कई जगह मैं जाता हूँ, लोग रोष प्रकट करते हैं अपना, तो रोष तभी प्रकट होता है वो काम करेंगे, जब आप काम करेंगे नहीं
तो रोष भी नहीं होगा, चैलेंज आते हैं, हम चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं। टर्निंग पॉइंट यही मेरे लिए एक बड़ा सौभाग्य है, मेरे को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया और इलेक्शन लड़वाया मेरे को। मैं एक सेवा शुरू से कर रहा था, लेकिन एक पोस्ट के ऊपर होकर एज ए विधायक मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। एक टर्निंग पॉइंट था मेरा जो इलेक्शन मैंने लड़ा, पहला इलेक्शन लड़ा मेरा लाइफ का, पहला इलेक्शन है ये कि मैं जीता हूँ और पूरा कीर्तिमान स्थापित हुआ है पूरे वर्ल्ड में। इस किशनगर सीट का नाम है किरण बेदी हारी यहाँ से। सक्सेस मानते आई एम हार्ड वर्कर एंड ईमानदारी दोनों मेरे पास है, दोनों के ऊपर मैं चल रहा हूँ जिससे मेरे को कामयाबी मिल रही है। मेहनत और ईमानदारी आदमी को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाती है। सुबह 5 बजे उठता हूँ शुरू से ही, फ्रॉम वेरी बिगनिंग मेरा शेड्यूल वही है, चेंज नहीं हुआ। 5 बजे उठकर मैं कुछ हम लोग उस पर मेडिटेशन में बैठते हैं। 7 o'clock मैं रेडी होकर अपने ऑफिस जाता हूँ। 7 बजे से लेकर 11 बजे तक पब्लिक आती है मेरे पास, उनकी समस्याएं सुनता हूँ, स्टाफ पूरा काम करता है। उसके बाद 10-11 बजे के बाद एरिया में घूमता हूँ मैं, फिर मीटिंग्स होती हैं अफसरों के साथ, वहाँ जाता हूँ और जो लोगों की समस्याएं गलियों में होती हैं वो सुनता हूँ। और उसके बाद जो रात को फंक्शन होते हैं, शादियाँ होती हैं, दोपहर को डेथ होती है, क्रिमिनेशन ग्राउंड भी जाता हूँ मैं, जहाँ भी जो कोई फंक्शन मैं मिस नहीं करता, तो मैं रात को 11-11:30 बजे घर पहुँचता हूँ। सर ट्रैवलिंग का कोई मेरे को इतना शौक नहीं है, मैं जब से बना हूँ हमारे को TA मिलता है 50,000 हर विधायक को, जो मैंने अभी तक अवेल नहीं किया, ना टाइम है अवेल करने का। तो इतना शौक दिल्ली से बाहर जाने का मेरे को शौक ही नहीं है, यही है कि किसी का काम ना रुके पब्लिक का। तो मैं बहुत रेयर जाता हूँ, ब्यास का भी चला गया वो भी एक दिन के लिए, अदरवाइज मैं अवॉइड करता हूँ बाहर जाना। स्पिरिचुअल देखिए, हम लोग राधा स्वामी हैं, हम लोगों ने नाम ले रखा है तो पूरी आस्था है राधा स्वामी मत में उसके, हम जो भी उन्होंने एक नाम दे रखा है। मेडिटेशन में लोग बैठते हैं, डेली बैठते हैं, पूरा परिवार बैठता है। सर देखिएगा, मैं जब 11 बजे तक ऑफिस बैठता हूँ, लोगों को फ़ोन करता हूँ, लेटर देता हूँ, तो 1 बजे के बाद फ़ोन आने शुरू होते हैं कि थैंक्स के मेल आती हैं। इतनी खुशी मिलती है कि एक विधायक अगर किसी का काम कर रहा है तो उसमें उसको एक प्रेरणा मिलती है कि लोग थैंक्स कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम कार्य जो कर रहे हैं वो सफल हो रहे हैं, हमारे कार्य जो है तो उससे एक प्रेरणा मिलती है कि और करिए काम, और पब्लिक और करिए जिससे पब्लिक खुश हो। यही हमारा है कि CM साहब का भी आदेश है कि पब्लिक को खुश रखिए, आप जितनी मैक्सिमम सेवा कर सकते हैं। हम सेवा भाव से हम लोग आए हैं, हम राजनीति में नहीं आए थे, तो पार्टी का विज़न है कि हमने सेवा भाव से हम लोग आए हैं। सर जीवन के मैंने सेवा करी है पब्लिक की, ईमानदारी से काम करी है, किसी का दिल नहीं दुखाई है, और जो हो सकता है अगर भगवान का नाम टाइम मिले तो लेना चाहिए। देखिए मैं शुरू से ही बचपन से समाज में जुड़ा हूँ, मतलब सामाजिक काम करते करते आदमी यहाँ मंजिल पर पहुँचता है। समाज की समस्याएँ जब सामने आती हैं तो उसको पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, किसी का साथ लेना पड़ता है, लीडर का, किसी अफसर का, किसी काम कराने के लिए। तो वो एक प्रेरणा थी मेरे पास, मेरे को जो मौका मिला इलेक्शन लड़ने का, पहला मेरा इलेक्शन था ये। तो इलेक्शन लड़ने के बाद मैं देखता था मंत्रियों को साथ रहा हूँ, मंत्रियों के साथ रहा हूँ, CM के साथ रहा हूँ मैं, तो लोग जब समस्याएं अपनी लेके आते थे तो वो समस्याएं अगर दूर करने के लिए पावर है आपके पास तो उसका सही इस्तेमाल करेंगे आप। उसका मैं सही इस्तेमाल कर रहा हूँ, लोगों के भले के लिए काम कर रहा हूँ और भले के लिए काम करता रहूँ। बिजनेस सपोर्ट देखिए, मेरी फैमिली की सपोर्ट है, वाइफ की, बच्चों की, मेरे रिलेटिव्स की, जो मेरे को मतलब प्रेरणा देते हैं और वो समय समय पर टाइम भी देते हैं यहाँ आकर ऑफिस में कि कोई अगर मेरे लैग सेवा है तो बताइए। तो पूरी मेरे को अपनी फैमिली से सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है। देखिए केजरीवाल जी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो स्ट्रगल किया है उनको कोई विचार नहीं था कि इलेक्शन लड़ने का या कुछ ऐसी पार्टी बनाने का। ये तो जब उन्होंने कहा जी अगर आप कुछ करना चाहते हो तो इलेक्शन जीत के आइएगा, तो जिसके उनके अंदर जज्बा था कि लोगों को काम करने के लिए, इलेक्शन जीते, 67 सीट लेके आए, आज वो जिस मुकाम पे हैं पूरा वर्ल्ड सलूट मारता उनको। उनकी जो ईमानदारी और मेहनत है वो पूरे वर्ल्ड में रंग लाई है। मनीष इज़ अ ग्रेट पर्सन, शिक्षा में जो कमाल दिखाया उन्होंने पूरे वर्ल्ड में, आज नाम है उनका स्कूलों का, देखिएगा कितना स्कूलों में काम हो रहा है। स्कूल इतने फर्नीचर होते थे, आज मैं स्कूलों में जाता हूँ डेस्क देखिए, टीचर देखिए फॉरेन कंट्री में ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं, वो खुद नहीं जा रहे हैं, ना विधायक जा रहे हैं, वो टीचर्स को भेज रहे हैं, प्रिंसिपल्स को भेज रहे हैं कि आप जाके सीख के आइए और आगे बच्चों को वही आप यहाँ पर उसको काम को चलाइए जो आपने सीखा है यहाँ पर।
तो फॉरेन कंट्री से भी स्कूल हमारे बेटर हैं आज की डेट में। हमारे यहीं से भी इलेक्शन शुरू होता था तो उन्होंने कई बार कहा मेरे को इलेक्शन के लिए, पर मैं तैयार नहीं था, बच्चे छोटे थे, कि जब तक आदमी टाइम नहीं दे पाए तो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। तो लड़ा इलेक्शन तो वो टाइम जो है पार्टी का टाइम है। तो मेरे को एक कोटेशन याद आती है, लाल बहादुर शास्त्री के बेटे मेरे दोस्त थे, उन्होंने बताया था कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने रात को ओथ लेके जब आए घर पे तो पूरी फैमिली को बिठाया, उन्होंने अपनी फैमिली को ये बताया कि आज से मेरा पूरा हिंदुस्तान परिवार है, मेरे से टाइम की उम्मीद मत करना, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी हिंदुस्तान के लोग हैं। तो मैं उसी पक्षों में चल रहा हूँ, मेरी भी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे लोग हैं, जो मेरे एरिया के लोग हैं उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी। देखिएगा हमारे बाथरूम जो सेंटर्स बाथरूम है, एशिया की सबसे बड़ी बाथरूम है, तो यहाँ पर कई सीनियर एडवोकेट हैं जिनके साथ मैं एसोसिएट था, बड़ा अच्छा लगा उनको देखकर, हाईकोर्ट चैम्बर हैं उनके, तो उनकी प्रेरणा से भी शौक या प्रैक्टिस में भी आना चाहिए। और राजनीतिक होकर अपने वकीलों का भला करने के लिए अभी थोड़े दिन पहले सीएम साहब ने 50 करोड़ का डोनेट किया, वकीलों को फंड दिया 50 करोड़ रुपये का उनके वेलफेयर के लिए, कि कोई मिस हैपनिंग हो ऐसे वकील के साथ, कोई डेथ हो जाती है, कुछ होता है, तो उसके फंड दिया है, चीफ मिनिस्टर फंड में से दिया उन्होंने। तो एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि लोगों का जो विज़न बन चुका है ना, कि लोग राजनीति में आते हैं, गलत वादे करते हैं, काम पूरा नहीं करते, तो मैं एक अपनी सरकार की तारीफ करता हूँ कि जो हमने वादे किए थे वो पहले दिन से, जिस दिन हमने शपथ ली है, नेक्स्ट डे ही पानी और बिजली का काम कर दिया था हमने। तो राजनीति में अगर अच्छे लोग आएंगे तभी राजनीति आगे चलेगी। राजनीतिक जो हैं वो बुरे नहीं होते, वो अपने कर्म से बुरे बनते हैं, अगर काम गलत करेंगे तो बुरे बनते हैं। राजनीति में आना कोई बुरी बात नहीं, बिना राजनीति के आप आए हुए समाज को काम नहीं दे सकते, ना समाज का कार्य कर सकते हैं। राजनीति में आना, लोगों को आना चाहिए, उसके मीनिंग समझें, उसका सही इस्तेमाल करें, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। कोई इलाके में देखिए अभी कार्य तो बहुत ही हैं, कार्य करने के लिए तो आप जो कार्य करेंगे, जिसने नहीं करना उसके लिए कुछ भी नहीं है। कार्य करने वाले के लिए तो कार्य से में से कार्य निकलते हैं, आपने कार्य के उसमें छूट गया, कोई एडिशन होगी, लोगों की सजेशंस आती हैं, यहाँ ये चाहिए वो चाहिए, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम काम करेंगे जो लोगों की रिक्वायरमेंट है। पब्लिक हमारे साथ है, मैं तो कभी काम जब लोग आते हैं मेरे पास कभी नहीं पूछा कहाँ से हो, मैं जब विधायक हूँ तो सबके लिए विधायक हूँ, मेरे लिए सब बराबर हैं, सभी माननीय है मेरे लिए। जो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि ईमानदारी से मेहनत से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। हमारी सरकार अरविंद केजरीवाल जी और डिप्टी सीएम साहब सिसोदिया साहब, जितना पूरी टीम पूरे विधायक ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इतनी लोगों इतना तंग किया जा रहा है हमारे को पुलिस के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, उसके बावजूद भी हम लोग काम कर रहे हैं, लोग इसको हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। तो ईमानदारी और मेहनत से काम करें, हर मंजिल हासिल होगी। अच्छा, आपके इलाके से विधायक कौन है? यही बगा साहब। कभी आते हैं इलाके में? हाँ आते हैं, काम का देखा करते हुए। काम ग्राह क्षेत्र में कर रहे हैं? तो पहले बग्गा साहब है। काम ग्राह क्षेत्र में साहब ने बहुत सड़कें बनवाई हैं, सारी सड़कें बनवाई, सारे 1600 टोटल 100 मिलिया बनाया, टोटल सारा झील बनवाया, सारा सब बनवा रहे, सारी सब सड़कें बढ़िया हो रही है, कहीं पानी का भाव नहीं है कहीं भी। आज तक सड़कें नहीं कभी बनी बीजेपी के राज में, आगे देख लो अभी सड़कें देख लो जाके। वैल्यू आपके विधायक ने सड़कें बनवाई यहाँ पर, देखो कितनी सड़कें बनाई यहाँ पर, पार्क के अंदर जिम लगवा दी गई है, अभी तक किसी ने नहीं सोचा नहीं था, चाहे वो 40 साल नौकरी कर गए हैं या बीजेपी भी कितनी बार आई है, किसी ने आज तक सोचा नहीं पार्क के बारे में। काम ग्राह क्षेत्र में? हाँ बग्गा साहब सारा काम करवा रहे हैं, इस गली से आप जाओ पल्ली गली में, उधर गली में, पूरे खुरेजी में वही काम करवा रहे हैं। कितने नंबर देंगे? 10 नंबर देंगे। आप कितने नंबर देंगे? 10/10। आप कितने नंबर? मैं तो दूंगा भाई साहब 100 में से 100 और 100 में से 120 नंबर। अभी बनते हैं तो मैं 110 दूंगा, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट है ना, वो कामयाब है विधायक की। हाँ बिल्कुल, विधायक को 10 में से 10 में 10.5 नंबर दूंगा। तो नहीं आएंगे ना? यार आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे 10 में? चलो 9 दे देंगे यार, दे देंगे। हमारा वोट केजरीवाल। विधायक कौन है? एसके बग्गा साहब है। काम कराया बता दूंगा मैं, काम करा के आपके बग्गा साहब ने कुछ काम कराया? काम होने के अलावा बीजेपी से कुछ रख रहा, देख लो बीजेपी के कारनामे। कितने नंबर देंगे अपने विधायक को? 10 में से 10 ही देंगे। क्यों 10 में से 10? बस और तो जज ही नहीं मारो इनके अलावा के लिए। कितने नंबर देंगे अपने बग्गा साहब को? मैं इस टाइम यानी कि समझो 80%। आप कितने नंबर देंगे 10 में से? मैं 100 में से 100 दे रहा हूँ। विधायक को? विधायक को पूरे 100 के 100। आप विधायक ने कितने नंबर देंगे अपने विधायक को 10 में से? 10 के 10 दूंगा बाजी सारे उसको, और मेरे परिवार के सारे 10 वोटर 10 के 10 वोट उसको दिलाऊंगा। 10 के 10 वोट उसको दूंगा। बग्गा, एसके बग्गा, काम कराया क्षेत्र में?
बहुत अच्छा काम करा दिया। एस के बग्गा कभी आते हैं इलाके में? हमारे कल भी हमारे वहाँ आए थे बग्गा। कभी आते हैं इलाके में? आते हैं कभी कभी आते हैं। आते हैं कुछ काम भी करवाते हैं? काम भी करवाते हैं, आते भी हैं। क्या काम? एस के बग्गा कभी आते हैं इलाके में? बुलाते हैं, आते हैं कुछ काम भी करवाते हैं। बहुत बढ़िया काम करते हैं ये बग्गा। कभी आते हैं इलाके में? आते हैं, आते कुछ काम भी करवाते हैं। बहुत बढ़िया जम्बे चले सुनाई पूरी करते हैं। एस के बग्गा जी जी आते कभी इलाके में? हाँ आते हैं, आते हैं कभी, रहते हैं। सड़के बनवाई उन्होंने। नाम क्या विधायक का? ये बग्गा साहब है। कभी आते हैं इलाके में? कभी कभी आ ही जाते हैं राउंड पे। काम वगैरह भी कराया? काम करवाया, सड़कें बनवाई हैं, लाइट है, स्ट्रीट लाइट वगैरह सब जल रही है। बग्गा जी हैं। काम कराया क्षेत्र में? हाँ, हमारी रोड तो उन्होंने ही बनवाई है। कहते विधायक कौन है? बग्गा जी। काम कराया क्षेत्र में? जैसे उन्होंने बताया कि गली की सड़कें बनाई हैं। हमारे यहाँ से बग्गा जी है, एस के बग्गा जी। आते हैं इलाके में? हाँ जी, अक्सर आते हैं। कुछ काम वगैरह भी करवाते हैं? नहीं, काम भी करवाते हैं तभी तो आते हैं। जो काम नहीं कराएगा वो इलाके में कभी नहीं आएगा। कौन है? ये बग्गा जी। आते हैं इलाके में? हाँ, दो तीन बार आ चुके हैं यहाँ पे। कुछ काम वगैरह भी करवाया? ये रोड उन्होंने बनवाया। दूसरे कामों से? दूसरे काम तो बोल देते हैं, करवा ही देते हैं, मना नहीं करते किसी बात काम के लिए। कितने नंबर देंगे विधायक को? 10 में से 10 देंगे हम। 10? हाँ, बग्गा साहब को 10 में से 10 देंगे सर। 10 में से 8 नंबर तो आए उनके। 10 में 10 ही देंगे।